तांबेपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने प्रधान के बेटे भोलू सिंह की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिजनों ने तीन लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। भोलू सिंह हत्याकांड का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हत्याकांड के मामले पर दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने हजारों समर्थकों के साथ मृतक के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी सांसद ने कहा, हमारी दो मांग है, पहला जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए व दूसरा, हमें गोंडा पुलिस पर विश्वास नहीं है, इसलिए इसकी जांच दूसरे जनपद को ट्रांसफर किया जाए। वहीं दूसरी तरफ परिजनों का आरोप है कि लगातार बीजेपी विधायक प्रभात वर्मा द्वारा भोलू सिंह को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और जब मौका मिला तो भोलू सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि अगर पुलिस 15 दिन के अंदर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला पाई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या की जा रही है और यह पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस हत्या के मामले में मुख्य आरोपियों को बचाने में जुटी है। तो आइए आपको दिखाते हैं नौशाद खान की ये रिपोर्ट। विधायक की और सांसद की बदुआ मजदूर है, ये दोनों लोग बाहर से आए हैं। ये 2014 तक दूसरी पार्टी में थे, दोनों लोग बाहर से आए हैं और ये जहां हम बैठे हैं, ये सत्यदेव सिंह के चुनाव में भी ये परिवार हमारे साथ था। 91 में मेरे साथ था, 96 में मेरे साथ था, 98 में मेरे साथ था, 99 में मेरे साथ था, 5 में भाजपा के साथ था, 9 में भाजपा के साथ था। ये लोग आए तब से वो अलग है। परिवार भी किया था कि जरा भाई देखो इसके साथ कोई गड़बड़ ना होने वाला, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसी हत्या हो जाएगी। 4 रोज बाद मैं सुनता हूँ, बैठा हूँ कि हत्या हो गई। सुनता हूँ कि जिनका परिवार नाम ले रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। परिवार जिनका नाम ले रहा है, वीडियो है उसका, स्वयं का वीडियो है, पहले का वीडियो है, नाम ले रहा है, बाद का है, परिवार का है, तो करना चाहिए। इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। तो हमारी सरकार ने मना किया है कि आप मत बोलिए, हमारी सरकार ने मना किया कि हम ना बोले, गूंगा बन जाए। पुलिस जाने का नहीं काम कर रही, उनसे पूछो। पुलिस यहाँ, पुलिस बंधुआ मजदूर है, यहाँ की पुलिस बंधुआ मजदूर जो रहता बंधुआ मजदूर हो जाता। आए होंगे, उनके आने से क्या फर्क पड़ता है, हर शुक्रवार को पूरे जिले पुलिस बुला लेते हैं परेड करने के लिए। इतनी बार तहरीर बदलवाने का क्या काम करता है? ये एसपी बता सकते हैं, ये लोग बता सकते हैं। हमको तो लगता है ये बचाने का प्रयास किए हैं, दबाव में डाल करके FIR बदले हैं। मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय ये है कि 15 दिन के अंदर इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो हमारे कमिश्नर साहब बैठे बैठे बड़ा मौज ले रहे हैं, बड़ा मौज ले रहे हैं, हिलवे नहीं करते, खाली बैठे बैठे सैलरी ले रहे हैं। तो जरा उनसे भी हिसाब किताब मुझे करना है, तो 15 दिन बाद करूंगा हिसाब किताब सबसे। हत्यारोपी हैं जो, उनका संबंध विधायक के बेटे प्रशांत पटेल के साथ। अब वो जो हमारा कहना नहीं है, जो अपना ये कह रहे हैं परिवार, जो कह रहा है उसको मानना चाहिए, अगर निर्दोष हो तो बच जाएंगे। नेताजी, इस हत्या का कारण क्या है और किस वजह से? राजनीतिक वर्चस्व। किसने किया? राजनीतिक वर्चस्व। आपके आप पता लगाइए किसने किया है, राजनीतिक वर्चस्व। ऐसा जब परिवार नाम लेकर आरोप लगा रहा है तो ना फिर नामजद FIR होनी चाहिए थी। बिल्कुल होनी चाहिए थी, तहरीर बदलवाई गई, बिल्कुल होनी चाहिए थी। यहाँ की पुलिस बंधुआ मजदूर है, विधायक की और सांसद की बंधुआ मजदूर है, ये दोनों लोग बाहर से आए हैं। ये 2014 तक दूसरी पार्टी में थे, दोनों लोग बाहर से आए हैं और ये जहाँ हम बैठे हैं, ये सत्यदेव सिंह के चुनाव में भी ये परिवार हमारे साथ था। 91 में मेरे साथ था, 96 में मेरे साथ था, 98 में मेरे साथ था, 99 में मेरे साथ था, 5 में भाजपा के साथ था, 9 में भाजपा के साथ था। ये लोग आए तब से वो अलग है।